हेलो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हो मैक्स टेक्निकल 360 चैनल। आपका भाई मैक्स फिर से आ गया एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रसबेरी पाई का न्यूली लॉन्च एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है रसबेरी पाई पीको। तो इस बोर्ड का आज हम फर्स्ट लुक देखने वाले हैं, उसके साथ साथ इसका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन भी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा डेवलपमेंट बोर्ड का हम फर्स्ट लुक देखने वाले हैं। तो ये है हमारा रसबेरी पाई का न्यूली लॉन्च रसबेरी पाई पीको डेवलपमेंट बोर्ड। आप लोग देख सकते हो ये कितना सुंदर दिखने को होता है। तो ये आप लोग इसका पिन लेआउट देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे रसबेरी पाई पीको डेवलपमेंट बोर्ड का हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो इसमें लगा हुआ है RP2040 माइक्रो कंट्रोलर चिपसेट, जिसे रसबेरी पाई कम्युनिटी ने डिज़ाइन किया है। उसके साथ साथ इसमें लगा हुआ है डुअल कोर ARM कॉर्टेक्स M0 प्लस प्रोसेसर, जिसे 133 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। उसके साथ साथ इसमें लगा हुआ है 264 KB का SRAM। उसके साथ साथ 2 MB का ऑनबोर्ड फ्लैश स्टोरेज। इस पे आप लोगों को 2 SPI चैनल, 2 I2C चैनल, 2 UART चैनल और 3 12 बीट का ADC चैनल भी आप लोगों को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है और उसके साथ साथ 26 मल्टीपल GPIO पिंस भी आप लोगों को मिल जाता है। और ये मार्केट में मिलने वाले जितने भी माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड है उससे सस्ता भी है। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग 340 रुपये पे इंडिया में खरीद सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उधर से भी आप लोग खरीद सकते हो। और इसका बहुत लो पावर ये कंजम्पशन करता है। इसे आप 0.8 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो इस बोर्ड को। इस बोर्ड को प्रोग्राम किया जाता है C++ एंड माइक्रो पाइथन को यूज़ करके। तो आने वाले वीडियोस में मैं इसे आप लोगों को प्रोग्राम करना भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम लोग इस डेवलपमेंट बोर्ड को यूज़ करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।